सो गाइज, जो भी एक्सपेरिमेंट मुझे करना है अपने रूम के लिए, जो भी मुझे डेकोरेटिव आइटम बनाने हैं, जो भी मटेरियल था वो इकट्ठा कर लिया है, ये रहा। तो अभी मैं दिखाऊंगा सारे आइटम्स आज। ये तो मैं अपने गांव से लेकर आया हूँ, भरवा के पूरी की पूरी पन्नी, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा चूज़ करना था आइटम और सेलेक्ट करना था कौन कौन सा पसंद आ रहा है, कौन कौन सा नहीं। आसपास बक्सर में ऐसे कोई शॉप नहीं थी जहाँ पे मैं कंफर्टेबली आराम से अपना जो आइटम है वो सेलेक्ट कर सकूँ। तो अपने गांव गया था, वहाँ पे वो अपने बाबा वगैरह करते हैं, उनकी शॉप से मैं जाकर लेगा काफ़ी आराम से। वहाँ पे मैंने अपना सामान सेलेक्ट किया, ठीक है, और कुछ सामान मेरा घर से ही इकट्ठा किया मैंने, जो कि मेरा पुराना था। कुछ आइटम ऐसे हैं जिनसे मैंने कई सालों पहले एक्सपेरिमेंट किया थे उनमें से एक है। सो देख लेते हैं अभी क्या क्या आइटम इकट्ठे हुए। ये रेगमाल है, ये भी काम आएगा, ठीक है। ये मेरा पुराना, जब मैंने कभी कुछ पहले एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम का बचा हुआ है। ये दो पीस है रेगमाल के, अलग अलग टाइप के, देखते हैं। गंदा हो रहा है तो साफ नज़र आ रहा है कि पुराना है। ये पुराने डिब्बे हैं, इसमें अपना कुछ आइटम्स हैं जो सैनी से बच के आए हैं, इस टाइप के स्क्रू वगैरह, इनको भी रख लेते हैं। ये सारे काम आएंगे इस बार, काफ़ी टाइम से कलेक्ट किए हुए हैं, कई सालों का फिलहाल ही, ठीक है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्क्रू मिलेंगे इसमें। और ये फेविकोल है, जब मैं सैनी से सामान लेकर आया था तो मैंने स्पीकर्स वगैरह दिखाए थे जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे उस टाइम पे, तो ये उस टाइम की निशानी है। ये फेविकोल का डिब्बा मैंने उस टाइम पर यूज़ किया था, और इसमें अभी भी कुछ फेविकोल है जो अभी पूरी तरह से नहीं सूखा। ओके, इसको साइड में रख देते हैं। एक ये फेविकोल है, ये भी काफ़ी टाइम काम हो गया, 2017 का है ये, और ये सूख गया थोड़ा सा, काफ़ी टाइम हो गया, जैसे पूरी तरह से नहीं सूखा, लेकिन इसको पानी मिला के कामयाब किया जाएगा। कुछ सामान मैं अभी खरीद के लगा हूँ, ये घिसाई के काम आता है, नील को शार्प करने के लिए, उसको घिसने के लिए आता है, लेकिन मैं किसी और काम में लूँगा, लकड़ी वगैरह घिसने में, ठीक है। तो ये न्यू प्रोडक्ट है, अभी नया खरीद के लाया हूँ। ये कुछ फिर से पुराने हैं जिनको मैं यूज़ करता रहता हूँ, ब्रशेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ब्रशेस, एक पेंट ब्रश है, और ये सारा सामान अभी मैं खरीद के लाया हूँ। ज़्यादातर इन स्टिक्स के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आइसक्रीम वाली स्टिक होती है, वो थोड़ी बारीक होती हैं, ये थोड़ी मोटी हैं, अलग टाइप की हैं, तो इनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी देखते हैं कुछ बनाते, लैम्प वगैरह, इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चमकीली, देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट होगा, वो सरप्राइज होगा, बता दूंगा। लेकिन मैं इनको कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, पहले भी मैंने इनको यूज़ किया तो इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। फेविक्विक लाया हूँ, ये एक आया था ये है, ओवरऑल अभी फिलहाल का जो आइटम जिनके साथ मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। और सही बताऊँ तो गाइस, जो मुझे आइटम बनाने हैं वो एक प्रोडक्ट जो था अमेजोन वगैरह पे, वो ऐसे था 300 प्लस का, और अभी जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, और मेरा जो खर्चा आया है शॉपिंग का वो 300 प्लस चल रहा है अभी। लेकिन जो मैंने ये सामान खरीद के लाया हूँ, इससे मैं कुछ अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, अपने जो कीड़ा है जो बहुत टाइम बाद जाएगा कि हाँ चलो खुद से कुछ करना चाहिए, सभी सामान को यूज़ करके कुछ बनाते हैं, कुछ अलग सा देखते हैं, कुछ इधर उधर से देखते हैं, कुछ सीखते हैं नया और फिर बनाते हैं, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है मेरे साथ, ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो प्रोडक्ट जितने उससे ज़्यादा मैं खर्चा कर देता हूँ खुद से बनाने में, लेकिन हाँ अंदर का जो आत्मा को शांति मिल जाती है, तृप्ति मिल जाती है, हाँ चलो खुद से बनाए हैं, जैसा भी बनता है लेकिन अच्छा बनता है, सुकून मिलता है कि हाँ अपने हाथों से कुछ किया, ठीक है। तो इनका यूज़ करके कुछ बनाते हैं। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे कि मेरे रूम में अभी पेंट वगैरह होना है, तो मैं पेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। हालांकि मैंने क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि इन ये जो चमकीली हैं इनकी और क्वांटिटी बढ़ाई जाए, और जो पेंट रूम में होगा उसमें मिक्स किया जाए, और रूम में जब पेंट हो जाएगा तो लाइटिंग की वजह से इसमें चमक आएगी, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग एंगल पर जब हम देखेंगे तो इसमें वॉल में से चमक आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान शायद काम कर जाए। लेकिन इससे ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी वॉल ख़राब हो जाए, वो पेंट अच्छे से ना पकड़ पाए वॉल को, तो पूरा पूरा पेंट ख़राब भी हो सकता है। तो पहले मैं इन कलर्स को यूज़ करके पेपर पे या स्टिक पे करके देखूँगा कि जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर मैं अपने पूरे रूम में ऐसी बहुत सारी मिक्स करा दूँ जो भी पेंट होगा। मुझे दो कलर पसंद आते हैं, एक वाइट और ब्लू, बस
ये मैंने स्कूल प्रोजेक्ट बनाए थे एक बार सोलर सिस्टम, तो उसमें स्पेस यूनिवर्स यूनिवर्स को मेंशन करने के लिए इनका यूज़ किया था, तो ये स्टार्स का काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था इनका, इस वजह से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने एक पेंट बनाया था अपने स्पीकर्स के ऊपर, वो किस तरह से किया था मैंने, कार्डबोर्ड का, कार्डबोर्ड जो होता है उसको मैंने फ्रेम बनाया था टीवी के स्पीकर्स के साइज़ का, और उसके ऊपर मोमबत्ती का जो काला काला होता है ना उसको जला जला के ब्लैक कर देता पूरा, और उसके ऊपर फेविकोल में ये मिक्स करके लगाया था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आया था। देखते हैं वो स्पीकर्स वगैरह मिलेंगे तो मैं आपको जो शो करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट मैं आपको पिक के तौर पर दिखा दूँगा। ओके, प्लान काम तो कर रहा है, मैंने थोड़ा सा देखना इसके ऊपर लगा के देखा, इसका जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा वो हो गया प्लेन, इधर की साइड आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी सारी स्टिक्स को इस तरह से साफ करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं इधर करके दिखाता हूँ, वेगमार्क काम कर रहा है इसके ऊपर जैसे मैंने चाहता, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, तो ये देखिए गाइस, वाकई में गजब की चीज़ है, मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा सब, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया है कि ये जो मैं लाया हूँ पेपर, पिछली बार जब मैंने यूज़ की थी ये मैंने फेविकोल के साथ यूज़ किए थे, जैसे कि इधर ये भी एक तरह की ग्लू होती है, ठीक है, लेकिन इधर मैंने पेंट के साथ यूज़ किया, लेकिन इसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि इसमें शाइन नहीं आ रही, पेंट इसके ऊपर लग गया शाइनिंग के, और इधर जो है फेविकोल रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से इसमें शाइनिंग नहीं जा रही, अभी भी इसमें शाइनिंग चल रही है। तो मेरा जो प्लान था अपनी जो वॉल्स के ऊपर पेंट में ये मिक्स कराने का, वो फ्लॉप हो जाता है अच्छी तरह से, इससे पेंट ख़राब होएगा, और इसके जो शो है जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा डल अजीब सा लगेगा, इसमें शाइन नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जैसे कि इसमें आ रही है शाइन। ओके, तो अभी ये वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है, अभी मैं किसी भी पेंट में इसको मिक्स नहीं करूँगा इन चमकीले को, लेकिन हाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं इस इन चमकीले को फेविकोल के साथ यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले किया है, ठीक है, फेविकोल के साथ मिक्स किया, फेविकोल से होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो उसका पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और चमकीली इसी तरह से काम करेगी। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए, दो एक्सपेरिमेंट मेरे अभी फ़िलहाल में क्लियर हो गए, एक तो रेगमाल वाला, एक तो रेगमाल वाला जिससे मैं चाह रहा था कि जो स्टिक वगैरह है इसकी जो वो है लेयर वो थोड़ी क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, तो क्लियर हो गया। दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि कौन सी चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ चमकीली, किसके साथ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और ये भी काफ़ी हद तक काम कर रहा है ठीक ठाक, जैसे कि इसका ये है जो शार्प कॉर्नर है इसको मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है तो इसके साथ मैं कर सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ये सिर्फ स्पेशल पॉइंट पे काम करेगा, ज़्यादातर मैं रेगमाल को यूज़ करने वाला हूँ, इसको लकड़ी के लिए जो छोटे मोटे काम के लिए ये वाला रेगमाल ही काम करेगा, लेकिन ये वाला कहाँ पे काम करेगा जो मतलब ज़्यादा ही ख़राब लकड़ी है, ज़्यादा ही उसमें भारी भरकम लकड़ी होती है उस टाइप की लकड़ी पर काम करेगा। तो गाइस अभी देखते हैं कितने दिन अपना एक्सपेरिमेंट चलता है, आज रात से मैं शुरू करने वाला हूँ, आज कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, इन्हीं स्टिक्स को यूज़ करके एक लैंप बनाने की तैयारी करते हैं, उसके अंदर फिर बल्ब लगाएंगे और फिर देखते हैं किस तरह का दिख रहा है, और जो भी पेंट तो जो भी है कलर इनका यूज़ नहीं किएंगे, बस ये चमकीली हैं और फेविकोल का मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो भी हो मतलब आपको आने वाले पार्ट्स में दिखा दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।